हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आकाश विमल और मेरे पीछे बैठा है मेरा इगुआना अल्बाइडो, एंड हियर इज माय ब्लू वन। जब कोई बीमार हो जाता है जानवर तो उस पर ज़्यादा प्यार आने लग जाता है, इसी वजह से ये है उसको मैंने अपने हाल पे छोड़ा हुआ है और उसको मैं इतना प्यार करता रहता हूँ। यू कैन सी ये आँखें भी बंद करने लगा है, पहले ही मुझसे नफरत करता था। तो धूप वगैरह सेक ली है इसने, आप देख सकते हो काफ़ी वेट भी थोड़ा सा लूज़ हो गया है इन भाई साहब का, बट इट्स गोना बी गुड। अब मैं इसको काफ़ी अच्छे से खिला रहा हूँ, और जब इगुआना थोड़ा सा बीमार होता है और आप उसको दवाइयाँ देते हो तो जस्ट टेक केयर कि आप उसको थोड़ा सा शुगर लेवल भी दो, ताकि उसके अंदर ना थोड़ी सी जान रहे इधर उधर चलने की। रेप्टाइल उसको ओवर फीड नहीं कर सकते, फोर्स फीडिंग अगर आप कर रहे हो और वो सक्सेसफुल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ज़्यादा खिला दो और पूरे दिन खिलाते ही रहो, क्योंकि रेप्टाइल्स में जब भी कुछ होता है सबसे पहले वो खाना कम करते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी सही करनी होती है। एंड समटाइम्स इट इज़ लाइक कि जितना आपने उसको खाना खिलाया है हो सकता है उतना वो डाइजेस्ट ना कर पाए, तो थोड़ा थोड़ा खाना देते रहो। और यस, यू कैन सी कितना थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, कितना नहीं है ना। पहले तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बुरे हाल से लग रहे थे मेरे को, थोड़े लग क्या रहे थे मेरे को, मेरे भी हुए हुए थे। अब ये भाई साहब थोड़े से चिल हो गए हैं और मेरे साथ भी थोड़ा सा चिल हो के ही रहते हैं। अभी हम इनको देंगे वार्म वाटर सोक। एक बार पहले वार्म वाटर सोक दे देता हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुने पानी में इसको थोड़े से थोड़ी देर रखूँगा, और फिर उसके बाद इसके लिए थोड़ा सा पपीता और थोड़े पत्ते हैं। बहुत टाइम से मैं इसको आम ही आम खिलाया जा रहा था तो अब नहीं खिलाऊँगा, थोड़ा सा ब्रेक के बाद खिलाएंगे। यस, हियर वी गो, इसको अभी वार्म वाटर सोक देते हैं। मेरे पास है यहाँ पर एक टोकरी जिसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी रखा हुआ है। टेम्परेचर बहुत ध्यान से आपको ना देखना होता है, तो प्लीज़ टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। और ये रहे हमारे भाई साहब जो कि वेट ही कर रहे हैं कि कब इसको उठाकर मैं पानी में डालूंगा। इगुआना इसको काफ़ी पसंद आता है ये सब। यस, हियर ही इज, हियर शी इज, ये फीमेल है। दो अल्बाइनो जो है वो मेल है। अल्बाइनो ये हमारे भाई साहब मेल हैं। ग्रीन लग रहा है पर ये ग्रीन है नहीं। अरे ओके, तो इनको खाना खाना है भाई साहब को तो वार्म वाटर सोक की जगह ये भाई साहब मुझे दूर से देख रहे हैं कि मैं सारा अटेंशन इसको ही दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं सो यस, इसको भी हम थोड़ा सा इसके साथ ही रखते हैं। ओह यस, और अब दोनों ये एक साथ खाना खाएंगे। तो कमिंग बैक टू द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो कछुए पालें, बहुत सारों ने बर्ड्स रखे हुए हैं और ऐसे ही काफ़ी सारे जानवर हैं लोगों के पास, और नए नए जानवर और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस वजह से ये हॉबी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लोग स्मगल कर रहे हैं इनको बहुत इजीली और गवर्नमेंट को बहुत टफ हो रहा है इस सबको देखना और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। अभी रिसेंटली यूएसए में भी एक इंसिडेंट हुआ जहां पर फ्लोरिडा में एक बंदे के घर में घुस के उसके सारे लीगल पेट्स जितने थे वो एक्चुअली में लीगल स्नेक्स थे उसके पास, बर्मीज और रेटिकुलेटेड, उसके पास सारे परमिट, सारी माइक्रोचिपिंग थी उन जानवरों की, पर तब भी उनको मार दिया गया, और उसमें से एक तो लीगल एक बोआ था उसको भी मार दिया जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके पास 10 साल से थी। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो अबाउट दिस तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, इससे आप जान सकते हो कि कितनी बड़ी चीज़ है ये। यूएसए में भी अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिया में तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे ही ये लोग। काफ़ी बार सुनने में आता है कि किसी के पास सिर्फ रेड ईयर स्लाइडर्स थे तो उसको अरेस्ट कर लिया, या सलकटा टॉर्टोइस थे तो उसको भी ऐसा ही कुछ हुआ उसके साथ। मेरे को अभी एक फ़ोन आया बैंगलोर के अराउंड से, वहाँ पर एक बंदे के पास कुछ बर्ड्स थे और उसके पास भी अथॉरिटीज़ पहुँच गए, जबकि उसके पोर्टल में भी रजिस्टर्ड हैं और सब कुछ, पर उसको तब भी तंग करने लगे। तो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज वन थिंग ओवर हियर, अगर आपके पास कोई भी जानवर है तो प्लीज़ उसको पहले रजिस्टर कराओ। मैं तो कांपने लगा था लिटरली जब ऐसा कुछ आया था, और कि आपके सारे जानवर रजिस्टर्ड होने चाहिए, और मेरे पास इतने सारे जानवर हैं, ऑब्वियसली आई वॉज वेरी स्केर्ड। फिर पता लगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम दिया है कि इसके अंदर अंदर आप ये सब डिक्लेयर कर सकते हो, डिक्लेयर करने का मतलब है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बता सकते हो कि आपके पास ये है, ताकि वो आपको एक परमिशन इशू कर दें। तो मैंने तो इनको तभी डिक्लेयर कर दिया था, पर
तब मुझे याद है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी वेबसाइट में, जो कि अभी भी आ रही हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज, फर्स्ट सारे जानवर जितने हैं अपने, प्लीज उनको रजिस्टर करा लो, सबसे पहले जितने भी हैं। रजिस्टर करवाने में आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो शायद पता लग जाएंगी, जैसे ग्रीन इगुआना है वो भी बैन हो गई है अब। ग्रीन इगुआना आप ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि वो इन्वेजिव स्पीशीज में आने लगी है और उनका इंटरनेशनली जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ग्रीन इगुआनास का, वो बैन कर दिया गया है। एक्चुअली में तो ये जो ब्लू वाली है ये भी, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, पर मैंने डिक्लेयर कर दिया था। तो आई हैव द परमिट फॉर हिम, पर मैं इसको किसी को बेच नहीं सकता, ना मैं एक और ब्लू लेकर आ सकता हूं। तो ये लॉ होते हैं। और अगर मैं ले आया एक और ब्लू और उसको मैं बहुत ज्यादा प्यार किया, उसको भी बड़ा कर दिया, और उसके बाद में मेरे घर पे रेड हो गई और उन लोगों ने मेरे को अरेस्ट कर लिया कि आपने इलीगली इसको पाला है, तो कहीं ना कहीं वो चीज सही होगी। अगर आपके पास बजी भी है ना, एक ऑस्ट्रेलियन बजी भी है, तो भी आपको डिक्लेयर करना है। सो आप समझ सकते हो कितनी इंटेंसिटी वाली चीज है ये। एक बंदर को अफ्रीका में पकड़ा जाता है, उसके बाद में उसको इंडिया स्मगल करके लाया जाता है, एंड यू विल नॉट बिलीव वो बिक रहा है 10 लाख 15 लाख रुपए का, लोग कमा रहे हैं पैसा। और इन सब वजहों से जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा झेलते हैं, क्रुएल्टी झेलते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं ऑब्वियसली। और इसी वजह से ये इतनी कॉम्प्लेक्स है चीज, क्योंकि आप हर जीव को मार नहीं सकते, है ना, हर चीज की परमिशन नहीं दे सकते। और आई एम श्योर जितने एग्जॉटिक ओनर्स हैं उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक एक भी जानवर डिक्लेयर नहीं किया है अथॉरिटीज को। तो यू कैन अंडरस्टैंड पोर्टल, परिवेश पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शुरुआत है अभी इस हॉबी की ना, मैं बोलूंगा, और अगले 10 साल तक ये इम्प्रूव ही होती रहेगी, इसके रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो इम्प्रूव ही होते रहेंगे। सो यू हैव टू कंसिडर डिक्लेयरिंग योर एनिमल्स, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्रुएल्टी नहीं करनी कोई भी जानवर पे। और दूसरी चीज, अगर आप कोई जानवर खरीद रहे हो तो उसका पेपर वर्क पहले पूछो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो केसेस होते हैं पूरी जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। यू डोंट वॉन्ट टू मेस विद इट। और आजकल आप जैसे देखोगे कि अभी अफ्रीकन मंकी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, डिब्राजा मंकीज, उनको अथॉरिटीज ने पकड़ा था क्योंकि वो इंडिया एंटर हो रहे थे, तो फिर दे वर सेंट बैक टू थाईलैंड, शायद से थाईलैंड से आ रहे थे वो। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अफ्रीका से थाईलैंड जा रहे हैं जानवर, फिर थाईलैंड से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो आप इंटेंसिटी इस चीज की समझ सकते हो। जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो ना उससे ध्यान से करना, बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं कि सारे ही जानवर रजिस्टर्ड हैं उनके अकॉर्डिंगली। और अगर आप थोड़ी सी और बात करोगे तो दे विल टेल यू कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है रजिस्ट्रेशन से एंड ऑल इन दिस एंड दैट। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना कि अब रूल्स और रेगुलेशंस हैं और वो बहुत बड़ी चीज है, और उस चीजों से अरेस्ट भी हो सकते हैं। लोग मेरे को फोन करते हैं लोग कि यार आकाश भाई प्रॉब्लम हो गई, मेरे पास इतने सारे जानवर हैं और अथॉरिटी पहुंच गई और ये हो गया। ब्रो मैं आई कांट हेल्प यू अगर आपने डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं साहब, है ना। रंगीला है और रंगीला, और मैं उसकी फीमेल इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर मैं उसकी फीमेल लाऊंगा फिर उसके बाद में वो भी ब्रीडिंग करेगी, उसका पेपर वर्क और होगा। तो अभी मैं पहले वो सब कुछ समझ रहा हूँ, उसके बाद आई एम गोना गेट अ फीमेल फॉर हिम। तो तब तक आप अपना ध्यान रखो और अपने कुत्तों का भी। कुत्तों पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारी ब्रीड्स हैं। लॉकडाउन में जिन लोगों ने पपीज लिए थे ना एंटरटेनमेंट के लिए, रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, उन लोगों के कुत्ते बड़े हो गए। ऑब्वियसली कौन सी ब्रीड्स ली उन्होंने, वही ब्रीड जो नॉर्मली हमें मिल जाती हैं, पिटबुल, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, है ना, लैबराडोर्स भी थे काफी। तो अब के टाइम पे वो कुत्ते 4-4 साल के हो गए हैं, तो उन लोगों ने उनको छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जिन लोगों ने छोड़ा नहीं है उन कुत्ते, वो कुत्ते पिटबुल रॉटवाइलर जैसे कुत्ते वो बाइट कर रहे हैं पूरी दुनिया में आसपास, क्योंकि उनको उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं। इसी वजह से बहुत सारी अनहोनियां भी हुई, काफी जगह ऐसे केसेस आने लगे कि कुत्ते ने जान से मार दिया, पालतू कुत्ते ने जान से मार दिया किसी और को। तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने काफी सारी ब्रीड्स हैं, NCR और गुड़गांव और ऐसी जगह काफी सारी ब्रीड्स हैं जो कि बैन ही कर दी हैं। मतलब अगर वहां का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपके घर पे आया और अगर आपके पास परमिशन या परमिट होता है एक डॉग का, वो नहीं है, तो वो लोग घर में घुस के आपका डॉग उठा के लेके जा सकते हैं। तो जस्ट
टेक केयर, मैं ज्यादा डराना नहीं चाहता इस चीज में. जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, पोर्टल का थोड़ा सा ध्यान रखो और ये ध्यान रखना कि अपने आसपास क्या लॉज चल रहे हैं. तो आई डोंट रियली नो इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं, पर जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं ना कि सांप को पेट नहीं बना सकते आप, सांप पेट बनाना इम्पॉसिबल है. वो लोग नहीं समझ सकते ये चीज. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर रेप्टाइल्स एंड योर एनिमल्स. बाकी तो सब बढ़िया ही है. अभी मैं जा रहा हूँ जैक के पास. वो उन सबको मैंने साथ रखना शुरू कर दिया है अब. आई एम श्योर वो जो छोटा वाला बच्चा है उसने भी थोड़ा ज्यादा खाना और ज्यादा पुदकना इधर से उधर स्टार्ट कर दिया है. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. और मेरे इगुआनास कहाँ गए? ओह, वो दोनों पीछे बैठ गए जाकर, विच इज क्वाइट अ गुड थिंग. क्योंकि ब्लू वाला मेरा इगुआना सही हो गया. बाकी तो सब सही है. मैं आपको अपने कौओं के पास लेके चलूं. दिस इज माय बेड एंड जैक इज चिलिंग ऑल अराउंड. ये देखो, ये इसको बहुत मजे आ रहे हैं, इसको इधर से उधर. क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इसको यकीन भी नहीं हुआ था जब इसने इन कौओं को देखा था, पर अब ही इज क्वाइट चिल्ड आउट. वो जाता है, उनसे मिलता है और उसके बाद आ जाता है मेरे पास ही. तो आई एम जस्ट वेटिंग, कुछ दिन में ये लोग साथ में रहने लगेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. अभी मैं इनको इसी रूम में रखता हूँ. ये तीनों ऐसे आज़ाद ही रहते हैं, सो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट. दोपहर के टाइम में थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी इनको मिल जाती है. यहाँ पर हर जानवर के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है. तो यस, यू कैन सी, ये मेरा पिलो है जिस पे ये अपनी ऐसी की तैसी कर रहा है. बट या करना तो पड़ेगा ही अब इन भाई साहब को, अगर सक्सेसफुली बाहर छोड़ना है. देखो ज़रा, अगर इनको बाहर सक्सेसफुली छोड़ना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा. आओ इधर आओ. क्या कर रहा है, क्या कर रहा है?